मैं दवाई नहीं खाऊंगा। और दवाई तो क्या, जब तक मैं गुनगुन से मिल नहीं लेता मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। गुनगुन यहाँ नहीं आ सकती सर। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि गुनगुन अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। अब तो आप दवाई खाने से मना नहीं करेंगे ना? अरे अरे आराम से, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए अनुभव कुलश्रेष्ठ जी। तुम्हें पता है, तुम नहीं आती तो मैं पागल हो जाता हूं। पागल तो तुम ऑलरेडी हो, इसीलिए दवाई खाने से मना कर रहे थे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। काश ये वक्त यहीं थम जाता। शायर नहीं, पेशेंट की तरह बिहेव करो और दवाई खाओ। मेरी दवाई तो तुम हो। अब तुम आ गई हो तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा फिल्मी होने की कोई जरूरत नहीं है। खिचड़ी लेकर आई हूं, खिचड़ी खाओ फिर दवाई खाओ। नर्स, आप अनुभव को खाना क्यों खिला रही हो? वो खुद से खाना नहीं खा पा रहे थे इसलिए। पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, क्या हुआ? तुम यहां? और वो भी नर्स के ड्रेस में, ताकि हम इसे पहचान ना सके। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि आपके लिए अपने बेटे से ज्यादा अपनी जिद प्यारी होगी। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुनगुन पे हाथ उठाने की? जैसे इसकी हिम्मत हुई चोरी छुपे मेरे हस्बैंड से मिलने की।
गुनगुन को यहाँ मिलने के लिए मैंने बुलाया था और मैंने मना किया था। एक तो तुम बिना परमिशन के प्राइवेट वार्ड में आई हो और वो भी नर्स की ड्रेस पहने हुए। अब देखो इस बात का मैं कितना बड़ा इशू बनाती हूँ और तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। खबरदार आकृति। तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत होगी आपकी मनमानी और बहुत होगी आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब देखना इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। पानी पानी पानी। क्या हुआ? क्या हुआ आप ही देख लीजिए क्या हुआ। सिस्टर क्या हुआ यहाँ पे? ये नर्स नहीं है, ये फ्रॉड और धोखेबाज लड़की है जो नर्स के भेस में मेरे पति से चुप चुप के मिलने आई है। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? बाहर निकालिए इस लड़की को। सिर्फ इतने से ही काम नहीं होगा बड़े पापा, इस लड़की को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। डॉक्टर साहब आप इस लड़की के खिलाफ और इसे हेल्प करने वाले स्टाफ के खिलाफ प्लीज एक्शन लीजिए, नहीं तो आपके हॉस्पिटल में ये दोबारा होगा जो कि आपके हॉस्पिटल के रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज पुलिस को बुलाइए और इसे सजा दिलवाइए। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा तमाशा होगा। तमाशा होगा नहीं, तमाशा खत्म होगा। बड़े भैया आप ही समझाइए ना, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, इस लड़की ने गलती की है हमारे साथ भी और अस्पताल के साथ भी, और गलत को सजा मिलनी चाहिए। बड़े भैया आप ही समझाइए ना, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, इस लड़की ने गलती की है हमारे साथ भी और अस्पताल के साथ भी, और गलत को सजा मिलनी चाहिए। भैया भैया अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो हमारे परिवार की बदनामी होगी, क्योंकि अब गुनगुन और अन्नू को सब पहचानते हैं। इसीलिए तो इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है और इसको लगता है ये जो चाहे वो कर सकती। कोई नहीं, एटलीस्ट पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि अनुभव की पत्नी मैं हूं और ये दूसरी औरत है। मैं क्या हूं वो सब छोड़ो, तुम तो पहली औरत हो ना अनुभव की वाइफ होने का दावा करने के और इस पे हक जताने के अलावा तुमने किया ही क्या है। मैं तो इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि अनुभव ने दवाई भी नहीं ली है। मैनेजर को बुलाइए अभी। अरे पापा मैं यहाँ सिर्फ अनुभव को दवाई देने के लिए आई थी, इसने दवाई नहीं खाई थी तो मैंने सोचा मैं खाना खिलाऊंगी दवाई दूंगी और चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे? कितनी भी सफाई दे दो और कितना भी आंसू बहा लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। क्या हूं मैं? पहले तो आप ये बताइए आप इस नर्स को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि ये नर्स है ही नहीं। आप ही के हॉस्पिटल में, आप ही के हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहन के ये प्राइवेट वार्ड में खड़ी है, ये है आपकी सिक्योरिटी? तुम्हें ये यूनिफॉर्म कहां से मिली? एक मिनट, सुलेखा यादव, पर इन्हें तो हॉस्पिटल छोड़े एक महीने से ज्यादा हो गया। ओ, तो तुमने ये यूनिफॉर्म चोरी की, तो तुम पे तो चोरी का केस भी बनता है। तुम लोग को यहाँ किस लिए रखा है? सिक्योरिटी का क्या काम होता है ये बताना पड़ेगा तुम लोग को। मैम आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा।
पापा। और अगर किसी भी स्टाफ मेंबर ने इनकी हेल्प की है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की है। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए प्लीज। नहीं, तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं भी देखता हूं कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। अनुपम प्लीज, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज। हमें लगता है हम सबको शांत होने की जरूरत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुनगुन ही वो इंसान है जिसने अनु की जान बचाई है, और आज भी ये बेचारी इतनी कोशिश करके यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी ताकि अनु दवाई खा सके। जी नहीं, दवाई खिलाने के बहाने ये अनुभव से मिलने आई है, और इसे क्या पता कि अनुभव को कौन सी दवाई देनी है, कितनी दवाई देनी है। अगर ये गलत दवाई दे देती तो, अगर अनुभव को कुछ हो जाता तो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। आप प्लीज पुलिस को बुलाइए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जी मैनेजर साहब, हम भी यही चाहते हैं। आप लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, ठीक है भेज दीजिए, पर फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मीडिया को सब बता दूंगी, फिर वो लोग डिसाइड करें कौन सही है और कौन गलत, किसने पत्नी का फर्ज निभाया है और किसने नहीं। और मैं भी पुलिस को यह बताने से पीछे नहीं हटूंगा कि तुमने गुनगुन पे हाथ उठाया। कल भी उठाया था, और हम तीनों भी इसके गवाह हैं। कितने ही हथकंडे आजमा लो आकृति, तुम गुनगुन को मुझसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। और तुम्हें कोई भी बात एक बार में तो समझ आती नहीं, इसलिए दोबारा कह रहा हूं, मैं सिर्फ गुनगुन से प्यार करता हूं। लेकिन आप मेरे पति हैं, पर आप ये सच से भाग नहीं सकते हैं। मैं भागना चाहता भी नहीं, मैंने तुमसे शादी की है और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन मैं तन से और मन से सिर्फ गुनगुन का हूं, और इसीलिए सिर्फ गुनगुन के साथ रहूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। बहुत हो गया है छुपना छुपाना पड़े पापा, अब जो है सबके सामने है। तुमने हमारे सर की कसम खाई थी कि तुम इस लड़की से कभी नहीं मिलोगे, तुमने वो कसम तोड़ दी और हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अन्नु, अब जो तुम कह रहे हो, अगर तुमने वो किया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सॉरी बड़े पापा, शायद मैंने आपकी कसम तोड़ी, इसी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। लेकिन शादी करने के बाद से मैं बस घुट घुट के जी रहा हूं। गोली मुझे अब लगी है बड़े पापा, लेकिन मैं रोज रोज मर रहा हूं। जिंदगी से इतना तंग आ गया हूं कि जब आतंकवादियों ने मुझे पकड़ा था तब रोज मरने की दुआ मांग रहा था। गुनगुन ने मुझे बचाया और अब मुझे जीने का दूसरा मौका मिला है, और अब मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। ठीक है बेटा,
तुम अपनी जिंदगी जीना चाहते हो जी लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो रास्ता तुम अपनी जिंदगी का चुन रहे हो उस रास्ते में तुम्हें हमारी लाश मिलेगी। भैया बड़े भैया ऐसी बातें मत कीजिए, तुम चुप रहो। मैं भी देखती हूँ कि आप गुनगुन के साथ कैसे रहते हैं। आप इसी वक्त हमारे साथ लखनऊ चलेंगे। डॉक्टर प्लीज इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दीजिए, शायद इन्हें घर जाके याद आ जाए कि इनका भी एक परिवार है और जिम्मेदारियां हैं। इनको ये शादी खेल लगती है, पर मेरे लिए शादी खेल नहीं है। मैं अपनी शादी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना ना कहीं नहीं ले जा सकती। हम तो ले जा सकते हैं ना, और लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम तुम्हारे बड़े पापा हैं। अरे तुम्हारे ही क्या, हम तुम्हारे पिता के भी पिता समान हैं। अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो हम तुम्हारे कान खींच कर तुम्हें घसीटते हुए घर वापस ले जाएंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। हम तुम्हें अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं देंगे। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम यहीं पर अपनी जान दे देंगे। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।